खत्री डेंटल केयर दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह में सोमवार को अलग नजारा देखने को मिला, जब जिला न्यायालय परिसर में जिले भर से किन्नर इकट्ठे हुए और उनके साथ न्यायाधीश भी, और एक एक कर किन्नरों के तमाम दस्तावेज बनवाने का सिलसिला शुरू हुआ तो शाम तक हर किन्नर के पास सरकारी दस्तावेज उपलब्ध हो गए और किन्नर दुआओं से नवाजते दिखे। दरअसल दमोह के जिला न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण ने एक विशेष अभियान के तहत ट्रांसजेंडर्स या थर्ड जेंडर्स को समाज की मुख्य धारा में लाने, उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत विधिक सेवा के अधिकारी लगातार मेहनत कर रहे हैं और समाज से दूर इन वर्ग के लिए प्रयास कर रहे हैं। सोमवार को तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को कोर्ट परिसर में बुलाकर इन थर्ड जेंडर्स के सरकारी दस्तावेज बनवाए गए और उन्हें सौंपे गए। इन दस्तावेजों में वोटर कार्ड, राशन आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड सहित कई सरकारी दस्तावेज हैं। अब तक इन दस्तावेजों से वंचित रहने वाले ट्रांसजेंडर के लोग अब इस पहल से बेहद खुश हैं। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेणुका कंचन ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जेंडर्स वंचित वर्ग से हैं, लिहाजा इनकी चिंता करना ज़रूरी है और एक विशेष अभियान चलवाया गया। उनके मुताबिक इसकी बहुत आवश्यकता भी थी और इस वजह से विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से ये काम किया गया है। मैं ये मानती हूँ, मुझे मेरे कोई भी कागज़ नहीं थे, मुझे सर ने पूरे कागज़ बनवा के दिए, ऊपर से पूरे उनको माता रानी बहुत अच्छा रखे, हम लोग के पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, हर चीज़, हर हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि उसमें हर चीज़ में हम लोग का एक नाम आने लगा और हम लोग की एक पहचान बढ़ने लगी है। तो थर्ड जेंडर वो भी हुआ है, पूरे सब चीज़ों के लिए अदर जो भी है सब काम करा है, सब के लिए माता रानी से यही दुआ मांगूंगी कि सब बहुत अच्छे रहें। मेरे सर ने खूब हम लोग के पीछे लग लग के हर चीज़ बनवा दी हम लोग के लिए, एक इलाज के लिए और भी हर चीज़, हर कार्ड बनवा दिए गए हैं। मैं उसके लिए मैं धन्यवाद बोलती हूँ। मेरा नाम पिंकी है, मैं हटा क्षेत्र से हूँ। इसमें नालसा, सालसा और डालसा के अंतर्गत ही नालसा के निर्देशानुसार ये अपने ट्रांसजेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए, समाज की मुख्य धारा में वो सभी के साथ सम्मानपूर्वक अपना जीवन यापन कर सकें, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उस विशेष अभियान के तहत हम लोगों को ये निर्देश दिया गया है कि ट्रांसजेंडर को इनके आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने में मदद की जाए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, समग्र आईडी, पात्रता पर्ची, आयुष्मान कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन कार्ड जो भी है उसको उनको उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो इन सब दस्तावेजों का उपयोग करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा कर सकें, समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकें और एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें। और इसी अभियान के तहत हमारे यहाँ 9 ट्रांसजेंडर को ये आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए गए। जिन जिन ने आवेदन दिए थे उनको आवश्यक दस्तावेज नहीं मिले थे और इनमें से 2 जो ट्रांसजेंडर है उनको वृद्धावस्था पेंशन भी दिलवाई जा रही है। इसके लिए विभिन्न विभागों से हमने कोऑर्डिनेट किया और कोऑर्डिनेट करने के बाद ये दस्तावेज इनको आवश्यक प्रदाय कर दिए गए हैं। मैम, आपके यहाँ पर सभी लोगों के दस्तावेज बनाए जा रहे हैं सभी विभागों को लगे, तो ये नई? बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी समाज की जो वंचित वर्ग हैं, जैसे आप ट्रांसजेंडर ले लें या कुछ गरीब वर्ग ले लें जिनको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, जो अलग अलग विभागों में अप्रोच नहीं कर पाते हैं, तो उनको एक साथ यहाँ पे एग्जाई सुविधा मिल रही है, ताकि सारे विभाग यहीं पे आ जाएं, हम उनको निर्देश दें। जिन जिनको डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो यहाँ पे तत्काल सुनवाई हो रही है उनकी, यही उद्देश्य है इस प्रोग्राम का, यही उद्देश्य है। जिसमें इससे पहले सागर में पिछले कई वर्षों से